एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है कीर्ति झा'स किचन। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, जिसका एक अपना ही टेस्ट है, बहुत ही कम मसालों के साथ, विंटर स्पेशल, और नाम है जिसका आलू पत्ता गोभी। लेट्स स्टार्ट। प्याज की सब्जी का नाम है आलू पत्ता गोभी। तो देखिए हम इसमें क्या क्या लगेगा। ये है पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ, और एज यूजुअल विंटर स्पेशल मटर, थोड़ा सा चाहे तो डालिए नहीं तो मटर। ये है आलू कटा हुआ है, और ये एक छोटा पत्ता गोभी बारीक कटा हुआ है। ये दो टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं, विंटर स्पेशल धनिया का पत्ता, और इसमें ये है ग्रीन लहसुन, लहसुन के पत्ते जो आते हैं सर्दियों में वो है, और इसके साथ मैंने ये एक हरा मिर्चा काट के रखा हुआ है। ये है नमक, हल्दी, और ये है मिर्चा, हींग, राई, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सरसों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, थोड़ा ये गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें ये सरसों तेल जो है वो डाल देंगे, 3-4 चम्मच। चार, और ये थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरी चम्मच बहुत छोटी है, और आंच को कर दीजिए फुल। थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, तेल जल्दी गर्म हो जाएगा। बहुत आसान सी है, सबके घर में ये सब्जी बनती है, तो एक बार मेरे स्टाइल से भी देख लीजिए, पसंद आएगा तो ज़रूर से घर पे बनाइएगा। अब हम इसमें 1 चम्मच ये छोटी वाली लाए हैं, ये देखिए छोटी वाली, ये एक बड़ी भी आती है, तो अब हम इसमें डाल देंगे। देखिए मेरा ये तेल गर्म हो गया है, डाल दिया। इसमें मैंने ये हींग भी डाल दिया है अंदाज से, या देखिए ये जो चम्मच है छोटी, इससे हम आधी चम्मच डाल देंगे। कभी कभी पत्ता गोभी गैस कर जाती है, आसानी से पचती नहीं है, लेकिन अभी की जो पत्ता गोभी है वो बहुत ही सुपाच्य है, आसानी से पचती है, पानी बहुत छोड़ता है। तो जो पत्ता गोभी पानी बहुत छोड़ता है वो खाने में सही होती है। ये देखिए राई मेरा फूट चुका है। अब हम इसमें ये जो मैंने रखा हुआ है काट के लहसुन और हरा मिर्चा वो डाल देंगे। ये थोड़ा सा लाल हो जाए, ये देखिए ये लहसुन लाल हो गया है। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। मैं हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि जब तक मेरा हाथ नहीं लगता है मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है। ये देखिए आलू को हम थोड़ा सा फुल आंच पे हाई फ्लेम पे हल्का सा भूनेंगे, और लेकिन में थोड़ा सा हम उसमें ये सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा। अब हम इसको चलाएंगे बढ़िया से, और इसको ढक देंगे जब तक कि आलू बढ़िया से लाल ना हो जाए। मिला दिया मैंने अच्छे से, अब इसको हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि आलू बढ़िया से लाल हो जाए। ये लीजिए मैंने ढक दिया,
और आंच को कम कर दिया है। नेक्स्ट चेक कि हमारे मिस्टर आलू कहाँ तक पहुँचे हैं, ये देखिए क्रिस्पी हो रहे हैं हल्के, ये देखिए देखिए कोटिंग हल्की हल्की आ रही है। अब हम इसी स्टेज पे जो हमने पत्ता गोभी और मटर काट के रखा हुआ है वो डाल देंगे, ये देखिए ये मैं डाल दे रही हूँ। इसमें वेरिएशंस भी हो सकती हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं अभी, इसमें आप गाजर भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं। एक दिन मैं आपको वो भी बना के दिखाऊंगी कि कैसे बनती है। सर्दियों का मौसम सब्जियों का राजा होता है एंड इट्स हेल्दी वन। तब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, देखिए और बहुत ही कम मसालों के साथ ये तैयार हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, हमने आलू में भी डाला हुआ है इसलिए थोड़ा सा हम कम ही डालेंगे। मैं बार बार कहती हूँ नमक कम होता है तो उसका जुगाड़ हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो हम नहीं कुछ कर पाते। ये हल्दी और ये लाल मिर्च, कम खाना चाहते हैं तो कम डालिए, मैं इसमें कम ही डालती हूँ। और ये जो हमने धनिया पत्ता रखा हुआ है इसमें हम आधा इसमें डाल देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं टमाटर, ये मैं अभी डाल दूंगी। इस सब्जी को आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों को और हस्बैंड को लंच बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं पराठों के साथ। ये बहुत टेस्टी है, स्वीट एंड सिंपल एंड वेरी शॉर्ट है। अब हमने सारा इसको मिक्स कर दिया है, अब हम इसको ढक देंगे तब तक जब तक कि टमाटर धनिया पत्ता का सारा फ्लेवर इसमें ना आ जाए। तो ये लीजिए मैंने सारा मिक्स कर दिया, देखिए सारा एक जगह करके, और इसको मैं ढक दूंगी ताकि सारी के सारे वेपर्स पैक हो जाएं इसमें और ये बढ़िया से सब्जी का स्टीम इसमें रह जाए। तो अब हम इसको चेक करेंगे 5 मिनट बाद, तब तक मैं इसके साथ गर्मा गर्म पराठे बना लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं हम 5 मिनट के बाद हमारी सब्जी का क्या हाल है। ये देखिए टमाटर भी गल गया है बढ़िया से और खुशबू भी बहुत लाजवाब आ रही है, ये देखिए बढ़िया से। अब हम इसको 5 मिनट और बढ़िया से भून लेंगे ताकि फ्लेवर सारा आ जाए। देखिए फिर से मैंने इसको ढक दिया, ठीक है तो मिलते हैं फिर 5 मिनट के बाद। तो चलिए देखते हैं कि हमारा 5 मिनट बाद क्या है सीन। तो ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है, ये देखिए पूरा का पूरा पानी सूख गया है। और अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो थाली में फिर वो जब हम परोसते हैं सब्जियों को तो पानी पानी सा दिखता है, वो अब नहीं है। इस स्टेज पे अब मैं क्या करूँगी आपको मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई, थोड़ा सा लिटिल बिट ये देखिए इतना सा मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी, ये देखिए थोड़ा सा बस थोड़ा सा, क्योंकि सर्दियों में तो सब्जियों का अपना ही एक फ्लेवर होता है। एंड लास्ट बट नॉट अ लेस्ट अ हीरो ऑफ विंटर दिस इज कोरिएंडर लीव। अब हम इसको इसमें डाल देंगे, ठीक है अच्छे से जो पत्ते हमारे बच गए हैं हम उसको भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि फ्लेवर आ जाए पूरा। और इसको हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए और फिर इसको हम गैस को टर्न ऑफ कर देंगे, ठीक है दोस्तों।
बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा। देखिए मैंने ढक दिया और 2 मिनट बाद मैं इसका गैस ऑफ कर दूंगी। अब मिलती हूँ सीधा आपको जब मैं इसकी थाली लगा के आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए थाली तैयार हो गई है, गरम गरम पराठा, दही, आलू पत्ता गोभी की सब्जी, गुड़ और ये हरी मिर्च। तो स्पेशल विंटर थाली है, आप लोग भी ज़रूर से इसको बनाइए, खिलाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताइएगा।